सूरत के नानपुरा बहुमाली डीएलआर में सर्वेयर के तौर पर कार्यरत विठल ढोबरिया और उनके पुत्र विपुल सहित चार लोगों के खिलाफ उमरा पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज हुई, जिसमें पुलिस ने विठल डबोरिया को ऑफिस में से उठाकर पूछताछ की। बुधवार देर शाम उनको वापस जाने दिया, जबकि सर्वेयर के पुत्र विपुल डबोरिया के महेश छगन मुगलपरा और महेश धनजी सुतुरिया की गिरफ्तारी की है। सूरत के मोटावराछा रिवर यू हाइट्स पेड रोड के निवासी बिल्डर नीलेश भाई नारायण भाई वर्ण परिया ने कठोर गांव में किसानों के पास से जमीन खरीदकर उसमें मेपल विला प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में मकान लेने के लिए विठुल डोबरिया तीन भागीदारों के साथ आया और बिल्डर के पास से 14 मकान खरीदने का सौदा नक्की करके 8 मकानों के 3.31 करोड़ रकम LIC में लोन लेकर चुकाई थी, जबकि 6 मकानों में 2.55 करोड़ की रकम की भरपाई नहीं की थी। भागीदारों ने सीलुड़ी गांव की जमीन 3.78 करोड़ में बेचने की बात नक्की करके उसके बदले में बिल्डर के पास से 6 मकान 2.55 करोड़ एवं 5 प्लॉटों को मिलाकर 2.88 करोड़ में डील फाइनल की। बिल्डर ने मकान और प्लॉटों की बिक्री करने के बाद 1.65 करोड़ की डिफरेंसी रकम उपरांत अन्य एक प्लॉट 34.17 लाख एवं टैक्स की रकम 15.50 लाख मिलाकर 2.15 करोड़ की रकम भागीदार के पास से लेना बाकी थी, जिसके संदर्भ में फरियादी ने उमरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। उमरा पुलिस स्टेशन में ठगाई ने विश्वासघात ने गुनो नोधायेलो छे, जेमा कामे जे फरियादी छे એમની એપલ વિલા છે એમાં એક પ્લોટ હતા જેનો દસ્તાવેજ પોતાની પાસે હતો તથા કબજો પણ એમની પાસે હતો। સત્વા કામના જે તોમતદારો છે તો એ પોતાનો સામાન્ય ઈરાદો પાર પાડવા માટે ગુનાહિત કાવતરું રચી અને આ દસ્તાવેજ પોતાની ગુમ થઈ ગયેલો હોય એ બદલે પોલીસમાંથી પ્રમાણપત્ર મેળવી અને દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરી અને એમને ફાઇનાન્સ કંપનીમાં લોન મેળવવા માટે એનો ઉપયોગ કરેલ છે તથા એનો પોતાનો કબજો પોતાનો દાવો સાબિત કરવા માટે નામદાર કોર્ટમાં કેવીટના કામે પણ એને ઉપયોગ કરેલ છે। આ રીતે ફરિયાદીને આર્થિક રીતે નુકસાન પહોંચાડેલ છે અને એની જમીન કોચમાં પડેલ છે એ બદલનો ગુનો નોંધાયેલો છે અને એની આ કામે ઉમરા પોલીસ મારફતે 3 તોહમતદારોને અટક પણ કરવામાં આવેલ છે અને આગળની તપાસ ઉમરા પોલીસ ચલાવી રહી છે। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।